दूसरा उदाहरण ये है कि कला जब वैभव देती है तो उसको पचाना भी आना चाहिए, वरना वो विकृति के स्वरूप आप में प्रकट होगी लक्ष्मी, और फिर आपको चिंतन उपाध्याय बनाएगी। ये रास्ता भी आप मतलब दो चीजें हैं, जब उजाला है तो अंधेरा होना ही है, ठीक है। तो अंत में मैं एक कविता आपकी अंत में एक कलाकार की कविता को मैं पढ़ के मेरी बात को खत्म करूंगा। ये कलाकार आप ही के बीच की है, बहुत अच्छी कविता लिखी है नीलम ने। सफेद चादर पर पड़ा वो पहला दाग, जयेंद्र भाई, सफेद चादर पर पड़ा वो पहला दाग जिसे रगड़ रगड़ कर धोया था मैंने, आज भी उतना ही गहरा है। उस दाग को गले लगाए आज भी मैं बैठी हूं तेरे बिस्तर के उसी कोने पर। कितना चाहा, कितनी कोशिशें की, पर न जाने एक सफेद दाग लगी चादर, नए सफेद दाग लगी चादर छूटी और न ही तेरे बिस्तर का एक कोना छोड़ पाई। पलंग का एक सिरा थामे चुपचाप आज भी सो जाती हूं, हाथों की नरमाहट भी अब दरदरा सा रूप ले चुकी है। दाग छुड़ाने की कोशिश में अब आत्मा भी दगीली हो चुकी है, घृणा और आत्मग्लानी से भरी है। खुद से ही लड़ते लड़ते फिर रुक जाती हूं और उस दाग को छुड़ाने की ताकत फिर जुटाती हूं। तेरा ही लगाया हुआ है ये दाग, फिर मैं ही क्या इससे स्याह रंग हो जाती हूं। तेरी चादर कैसे सफेद है बिना किसी दाग, मैंने ही क्यों थामा है तेरे बिस्तर का कोना। नहीं छूटता, न छूटे, पूनम की रात में इसी चादर को लपेटे, दगीले चांद के प्रकाश में तारों का हाथ थामे चली जाऊंगी, उस दाग को छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश को छोड़, तेरे पलंग के सिरे में आजाद होकर। नीलम, इसमें अंत में मैं मेरी लाइनें और इसमें ऐड करता हूं। उसी चादर को लपेटे दगीले चांद के प्रकाश में तारों का हाथ थामे चली जाऊंगी, उस दाग को छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश को छोड़, तेरे पलंग के सिरे से आजाद होकर। अरे, मेरा यही सोचने से पहले तो चांद में भी दाग लग गया। ये जो कविता है नीलम जी की, कविता जो है उसका ही एक रूप है, कवि प्रश्न और वसंत। उन हरे पत्तों को पहनने वाली, उन हरे पत्तों को पहनने वाली आंखों में आकाश के नील सुनहरे रंगों की अंजना करने वाली, आंखों में आकाश के नील सुनहरे रंगों की अंजना करने वाली कुपलों की बोली में चहचहाती, कुपलों की बोली में चहचहाती झरनों के घुंघरू पहनकर नदियों से दौड़ लगाती, झरनों के घुंघरू पहनकर नदियों से दौड़ लगाती अपने नखरीले सपनों में खोई हुई सी, अपने नखरीले सपनों में खोई हुई सी जो यूं ही उगाई थी मांसल घास की तरह, जो यूं ही उगाई थी मांसल घास की तरह, वो वसंत लड़की का ये क्या हाल किया तुमने, वो वसंत लड़की का ये क्या हाल किया तुमने कि आज वो अशब्द छंद भंग वसंत की पर्याय कविता सी सुख के होठ लिए श्लथ गात्र फिरती रहती है दर दर न्यायालयों के पास।